Hello and welcome to this new video, exercise 2.3. In the last video we had discussed about the introduction of the lesson and expanded notation of decimal number, what is decimal number and the addition and subtraction of decimal number. ये सारी चीजों के discussion हम लोग last video में कर चुके हैं. This video में हम लोग को देखना है कि जो information मैंने last video में आपको दी थी, अब एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिए हैं और उनको सॉल्व करने की यहाँ पर मैं आपके सामने कोशिश करूंगा. उसके बाद आपको ध्यान में आएगा कि एक्सपेंडेड नोटेशन को किस तरीके से करना है. अगर एक्सपेंडेड नोटेशन है तो उसको रिटर्न में डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लाना है, एडिशन कैसे करनी है डेसिमल नंबर्स की, और आगे हम लोग उसके सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे. हर क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है. मतलब वीडियो खत्म होने के बाद जब आप खुद प्रैक्टिस करना चाहोगे तो आपके लिए यहाँ पर स्कोप है. हर एक फॉर्मेट के बाद एक क्वेश्चन आप मैंने यहाँ पर दिए हैं, आपको घर में उसके सॉल्व करना है. तो देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है एक्सपेंडेड नोटेशन. इस डेसिमल नंबर का हमको एक्सपेंडेड नोटेशन करना है. तो कैसे करेंगे, तो देखिए 266 मतलब कितने 100 है, 200. इस वजह से 2 × 100 बोले तो 200 हो गए. प्लस 66 6 टेंस है, कितने टेंस है 6, इस वजह से 6 मल्टीप्लाई बाय 8. और वंस कितने 6, अकेला वंस है इस वजह से 6. अब ये हो गए होल नंबर. अब स्टार्ट होने वाले हैं डेसिमल पॉइंट्स. तो आपको ऐड करना है 58 के दो प्लेस के बाद पॉइंट है, इस वजह से 5 का डिनोमिनेटर बनेगा 100 और 8 का डिनोमिनेटर बनेगा 10. This is the expanded notation of this decimal number. इस तरीके से आप decimal number के expanded notation को लिख सकते हो. Second question देखिए, 308 तो वही होगा फिर 3 × 100 plus 10 पे कोई tens नहीं है, 8 single plus 5 एक place के बाद point है, इस वजह से 5/10. This is the expanded notation of this question. और एक प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, आपको घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है. दोनों को ध्यान से देखिए किस तरीके सॉल्व किया है और आपको एक इसकी प्रैक्टिस करनी है. अब सेकेंड फॉर्म देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म एज अ डेसिमल नंबर. अब एक्सपेंडेड में ऑलरेडी दिया है, आपको उसको रिटर्न लाना है हमारे डेसिमल फॉर्म में. तो कैसे लाएंगे, तो देखिए इसको पूरे तरीके से ध्यान दीजिए. 800 प्लस 5 मतलब कितना होता है 805. Then points के number शुरू हो गए, इस वजह से point 1.008 मतलब ये 1 और ये 8 ये हो गए 805.80. इस expanded notation का ये हो गया decimal form. यहाँ पर भी वैसे ही 1000 plus 80 plus 1 plus 80.80. अब ये क्या होगा 1081.8. इसका ये डेसिमल फॉर्म हो गया. आगे आपको देखना है होमवर्क के लिए, ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है 50 + 8 + 0.2 + 0.005. इसका एक्सपेंडेड ये एक्सपेंडेड नोटेशन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल फॉर्म. दोनों फॉर्म यहाँ खत्म हो गए, डेसिमल टू एक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड टू डेसिमल, दोनों के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑलरेडी है. अब हमको यहाँ पर देखना है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर. इस तरीके से आपके सामने डेसिमल नंबर्स ऑलरेडी दिए हैं. अब इनके एडिशन करते समय मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इस पॉइंट के बाद कितने प्लेस का नंबर है. देखिए जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद भी एक ही नंबर है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर दो है. मतलब ज्यादा नंबर कौन सा है, ज्यादा पॉइंट कहाँ पर है, तो यहाँ पर दो है. तो आपको इन सब को इसके लाइक करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एडिशन होगी. वो कैसे करेंगे आप, तो आपको इसको वर्टिकली पहले लिख लेना है 5.5 प्लस 13.7. ओके, देन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 12.8, उसके बाद है 1.11. थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी,
ठीक है, मैं थोड़ा छोटे नंबर बनाऊंगा क्योंकि इरेज हो जाएगा। 5.5 प्लस 13.7 प्लस 12.8 और लास्ट नंबर है 1.11। अब इनकी एडिशन करेंगे, ये दो प्लेस के बाद पॉइंट, ये सब सिंगल में, तो इनको इसके जैसा सेम करना है आपको। कैसे करोगे, एक जीरो बढ़ा दीजिए, सबके साथ एक जीरो लगा दीजिए, आप ये सारे नंबर सेम होंगे, दो प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब सेम होंगे, क्योंकि एडिशन करते समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना जाए, इस वजह से आपको ये ऐसा करना है। अब आप एडिशन कर सकते हो, 1+0, क्योंकि 0 बढ़ाने से उनकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 1+0+0+0 मतलब 1 ही रहेगा, 1+8 9, 9+7 16, 16+5 मैंने वो ऐड नहीं किया, 16+5 होगा 21 सा अगेन 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया 2 पर कैरी, 1+2 3, 3+3 6, 6+5 11, 11+2 30, 13 सा 3, अगेन 1 कैरी, हियर 1+1+1 3, मतलब इन सब का टोटल आ जाएगा 33.11। इस तरीके से आपको जब भी डेसिमल नंबर्स की एडिशन करनी होती है तो इन चीजों का ध्यान देना होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां का है 3.067 प्लस 10.09, यहां पे 3 है, यहां पे 2 यार, एक बढ़ा दो 3 हो गए, फिर से 1.287, ये तो सेम है, अगेन 71.715, और यहाँ पे सिंगल होल नंबर है 4, तो इस वजह से वो पॉइंट देखिए इधर 3 हो गई, 0 कर दीजिए ताकि आपकी एडिशन सेम आ जाए। अब देखिए एडिशन कीजिए, 5+7 12 + 7 19 सा 9 1 कैरी ओवर, 1+8 9 9+9 18 18+6 24+1 25 सा 5 to carry over, 7+2 9+2 11 सा 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां का जो 1 कैरी ओवर होगा यहां हो जाएगा, 6 से आपको करना है 4+1 5+1 6+3 6+3 9 और ये कैरी ओवर का 1 9+1 ठीक 10 सा 0 1 कैरी ओवर हियर 1+7 8+1 ना, इसका आंसर आ जाएगा 90.159। सो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स को वर्टिकली मतलब लिख कर उसको प्रेजेंट करके उनके सारे डेसिमल पॉइंट्स को सेम करके आप उसके इजीली क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया है, ये वीडियो देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आप ले सकते, देकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हमको देखना है सब्ट्रैक्शन, हमको देखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां पे ले रहा हूं, 37.5 फ्रॉम 48.38, 37.5 फ्रॉम 48.31। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं जब वो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस नंबर में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, पर एक्चुअली क्या करना है, 48.31 में से 37.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम इसको पहले वर्टिकली लिख लीजिए, 48.31 सब्ट्रैक्टेड 37.5, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसको भी पॉइंट के बाद पॉइंट सेम करने के लिए जीरो लिख दिया मैंने, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 1 माइनस 0 1,
थ्री में से फाइव लिख रहे थे, क्या ही लिया, थर्टीन किए, सेवन बचे यहाँ पर, थर्टीन माइनस फाइव यस सिक्स, सॉरी थर्टीन माइनस सेवन हो गए एट, फाइव हो गए एट, यहाँ पे बचे पॉइंट के लिए पॉइंट, सेवन माइनस सेवन जीरो, फोर माइनस थ्री पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.81। इस तरीके से आपको सबट्रैक्ट करना है। प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, 2.619 फ्रॉम 31.52 में से 2.619 को माइनस करना है, तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा 31.52 और माइनस करना है 2.619, इसको सेम कर दीजिए, क्या होगा, जीरो में से नाइन नहीं जाएगा, क्या ही करेंगे, टेन करेंगे, इसकी वजह से वन, यहाँ पे वन में से वन गया जीरो, फाइव में से सिक्स नहीं जाएगा, फिर से क्या आ रहा है, फिफ्टीन हो गया, यहाँ पे बचा जीरो, फिफ्टीन में से सिक्स गए, ये बचे नाइन, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे जीरो है, जीरो में से टू नहीं जाएगा, टेन कर दो, टेन में से टू गए एट, और ये बचा टू, सर ये आंसर आएगा 28.901। इस तरीके से डेसिमल नंबर्स की सबट्रैक्शन आप कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको करना है 761.23 फ्रॉम 1000, इस नंबर में से ये नंबर आपको सबट्रैक्ट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्मेट्स, नोटेशन करना कैसे, नोटेशन टू डेसिमल फॉर्म में कैसे आना है, एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, सब क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको वीडियो में मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे, वीडियो को ध्यान से देखिए और घर में सॉल्व कीजिए। गुड बाय।